माउंटर लोर पब्लिक स्कूल में आज सातवां वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी माउंट लोर पब्लिक स्कूल में सातवां वार्षिक उत्सव में बच्चों और बच्चियों ने नृत्य और नाटक तथा अपने कुशल प्रतिभागियों के द्वारा सभी अतिथि सहित कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया। वहीं मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष जया मित्रा देवी, प्रोफेसर डॉक्टर लाल बाबू राय, डॉक्टर दिनेश पाल, हिंदी डिपार्टमेंट जगपाल चौधरी, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा तथा सम्मानित शिक्षकों को भी चादर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया के साथियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल के संस्थापक डॉक्टर पूनम यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियां कुछ ऐसा करें कि माउंट लोर पब्लिक स्कूल के नाम के साथ अपने माता पिता का नाम भी पूरे देश में रोशन करें, तथा उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे और बच्चियों को शिक्षा के लिए स्पेशल रूप में उनको गाइडलाइन दी जाती है, बाकी स्कूलों में उनको अलग तरीके से पढ़ाई कराया जाता है। उन्होंने कहा कि मासिक टेस्ट भी लिया जाता है। इस टेस्ट में जो भी छात्र छात्राएं अच्छे अंक लाते हैं उनको पढ़ाई में उत्साहित करने हेतु इनाम भी दिया जाता है। स्कूल संस्थापक डॉक्टर पूनम यादव ने कहा कि हमारे आसपास ग्रामीण इलाकों में औरतों तथा बेटी और बहू को चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। इनके जज्बे को, उनकी प्रतिभा को दबा दिया जाता है, लेकिन अब उनको बाहर निकाल कर कुछ करने की जरूरत है। गार्जियन को भी अब बदलने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सबसे खास बात में ये कहा कि हमारे स्कूल में सातवां वार्षिक महोत्सव के दौरान उड़ान स्कीम की शुरुआत भी हुई है। इसमें जो भी अत्यंत गरीब परिवार के हैं, कोई भी बच्चे और बच्चियां हैं, उनको बिल्कुल निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों को इन्होंने धन्यवाद भी दिया। आज आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है, क्या संदेश रहेगा आपके लोगों के लिए? पहले तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी हमारे स्कूल पे। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज हमारे स्कूल का 7th एनुअल फंक्शन है। आज से 7 साल पहले सन 2017 में हमने इस स्कूल की शुरुआत की थी, यूं कहें तो न्यू रखी थी, और आज 7th हम एनुअल मना रहे हैं। उस समय से लेकर आज तक काफ़ी चेंजेस मैंने अपने व्यू से नोटिस किया हुआ है। आज का जो फंक्शन है हमारे बच्चों का, मैंने जैसे स्पीच में बताया कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी नॉलेज तक सीमित नहीं है, इससे आगे आगे बढ़ के भी दुनिया है। किताबी नॉलेज के अलावा हम बच्चों में जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम है, कुछ सांस्कृतिक जो नॉलेज है जो बच्चों में डाले हैं, इथिकल जो हमारे शास्त्रीय नॉलेज है वो भी आपको बच्चों में दिखेंगे। आज में कुछ गीता के श्लोक और जो परफॉर्मेंस है वो बच्चे करेंगे। अलग अलग टाइप्स के आपको एक्ट दिखेंगे, जो हर एक्ट के माध्यम से उन्होंने कुछ ना कुछ को कुछ किसी ना किसी फील्ड में मैसेज देने की कोशिश की है। और 7 साल आपका पूरा हो गया, 7वां साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ बेनिफिशियरी है आपके यहाँ जो हम चल रहा है, कोई ऑफर हो रहा है? ये मैं बताना चाहती हूँ, ये हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे। तो इस साल मैंने एक स्कीम रखा है उड़ान, उस स्कीम का नाम हमने उड़ान रखा है। क्यों? क्योंकि उड़ान में हम वैसे बच्चों को पंख देने की कोशिश करेंगे जो इकोनॉमिकली थोड़े वो वीक हैं, और वो जैसे कुछ पेरेंट जब हम मिलते हैं ना तो पेरेंट आके हमसे ये बात कहते हैं कि मैम आपके स्कूल का माहौल बहुत बढ़िया है, मतलब अंदर के बच्चों का चाहे वो वे ऑफ टॉकिंग हो या डिसिप्लिन हो, हर चीज़ बच्चे मेंटेन करते हैं। आपके स्कूल में हम भी एडमिशन कराना चाहते हैं, बट थोड़े से कॉस्ट ले, चूँकि ग्रामीण प्रवेश में है और 500 यहाँ का कॉस्ट है, तो वो ग्रामीण प्रवेश में होने की वजह से 500 वो पे नहीं कर पाते। तो उनका है कि मैम थोड़ा सा अगर कम हो जाता ना तो काश हम भी करा पाते, उनकी हार्दिक इच्छा है। तो हम लोग प्लान में थे कि कुछ ऐसा एक चीज़ डालें कि पेरेंट अपने बच्चे को इजीली पढ़ा सके, तो मैंने वो स्कीम का नाम बताया उड़ान। उसके तहत वैसे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, इकोनॉमिकली वीक है, उनको स्पेशल गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरे साल। हम लोग जब तक मेरा स्कूल रहेगा कोशिश रहेगी लड़कियों के लिए कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें, लड़कों के लिए थोड़ा सा 50% ऑफ, उनके लिए जो हमारा अगर 500 फी है तो वो 250 के कॉस्ट दे करके अपना पढ़ाई यहाँ पे जारी रखें। आपने एक संबोधन में बोला था कि आज भी यहाँ की बहुएं जो है वो निकलने में निकलने लोग नहीं देते, तो वैसे बहुएं के लिए या फिर वैसे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? आप खुद एक महिला हैं और महिला होकर के आप एक स्कूल चला रहे हैं। बिल्कुल, उनको मैं
रियल में एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप और हम सामने नहीं आएंगे बच्चों के भविष्य के लिए तो दूसरा कोई नहीं आने वाला, और हम और आप जो है ना बच्चों के, कहा जाता है कि जैसे पेरेंट तो हम हैं ही, शिक्षक को गुरु माना जाता है और सेकंड पेरेंट माना जाता है, पेरेंट हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं। जब ये दोनों लोग मिल के आगे आते हैं ना तो बच्चों में कमी नाम की चीज़ नहीं रह जाती है। तो हम लोग मिल के सामने आए, और जो ये प्रथा है कि बहू घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि सर अब वो ज़माना अलग है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रियल में अच्छा करें, हम अगर हमारे वो पेरेंट नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे जैसे जिस लाइन में है वो लोग भी खुश नहीं है, उनके बच्चे जिस लाइन में आ करके सक्सेस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए या खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि उनके ग्रैंड सन है, उनके ग्रैंड डॉटर है, अगर वो अच्छा करें तो उन्हें थोड़े से परमिशन, क्योंकि बहुओं की शिकायत होती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वही अलाउ नहीं करते हैं, तो ये उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सर मैम प्लीज़ आप लोग अपने बहू को अलाउ करें कि वो घर से बाहर आए। बाकी स्कूलों से आपके स्कूल में ऐसी क्या सुविधा है अलग जिसमें बच्चे? सबसे पहला चीज़ की डिसिप्लिन माहौल, जो माहौल है हम कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन दे, कोशिश नहीं है, अगर रोड पे हमारे स्कूल के बच्चे चलते हैं ना तो लोग कहते हैं देखो माउंट लोड के बच्चे जा रहे हैं, वेल डिसिप्लिन पर डे इस चीज़ के लिए हम रीचेकिंग हमेशा चेकिंग रहता है वो करते हैं, चाहे नेल हो, हेयर हो, शूज, सॉक्स, इवन ड्रेस, हर चीज़ को पार्टिकुलरली होता है ना बारीकी से ध्यान दिया जाता है, तो ये डिसिप्लिन। दूसरी चीज़ कि अब मुझे और स्कूल का तो नहीं पता, बट मुझे मेरे खुद के स्कूल के बारे में पता ये चीज़ कि हम, मैंने बताया ना किताबें नॉलेज के साथ, जैसे अभी मैंने गीता जो हमारा महाकाव्य है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर वाइज हमारे टीचर हैं जो बच्चों को उसका श्लोक, और वो श्लोक सिर्फ रटंतु विद्या में नहीं रहेगा, आपको अपने लाइफ में भी उसके ऊपर फोकस करना है, उसको व्यवहार में लाना है, इस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। गरीब तबके के बच्चे हैं जो भी गरीब परिवार से हैं, उन लोगों के लिए आपके स्कूल के द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती है? मैंने बताया तो उड़ान एक स्कीम है जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री में आके एजुकेशन लेंगे हमारे पास। कितने वर्ष तक संचालन होता है? क्लास प्ले से 8 तक के संचालन होती है, फ्यूचर में चूँकि हमारे स्कूल में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, तो फ्यूचर में हम चाहेंगे कि एफिलिएशन भी हमें 10+2 तक का मिल जाए, ये हमारी फ्यूचर है। सारण बिहार से पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट, IND 365।